कई सालों पहले शादी के दौरान एक लड़की के परिवार द्वारा पैसे, संपत्ति, आभूषण और अन्य कीमती चीजें दूल्हे के परिवार को दी जाती थी, जिसे दहेज प्रथा कहा जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ लोगों के अंदर लालच पैदा हुई और इस प्रथा ने एक बुराई का रूप धारण कर लिया। ताजा मामला बेतिया का है, जहां दहेज की मांग में फर्नीचर नहीं देने पर ससुराल वालों ने महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना पश्चिम चंपारण जिले की शिकारपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी ढाला गांव की बताई जा रही है, जहां दहेज के लिए विवाहिता जैनम खातून की हत्या कर दी गई। जैनम खातून की शादी 4 साल पूर्व फिरोज के साथ हुई थी। मृतक महिला के मायके वालों ने बताया कि दहेज में फर्नीचर की मांग की जा रही थी। फर्नीचर नहीं देने पर महिला के साथ हमेशा अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा था। विगत सप्ताह महिला ने अपनी माँ से बताया कि जल्द फर्नीचर दे दो, नहीं तो सास ससुर और जेठ जेठानी ताने मार रहे हैं। परिजनों का कहना है कि महिला के सास ससुर और जेठ जेठानी द्वारा दहेज में कुर्सी, टेबल और पलंग की मांग की जा रही थी। कई बार समझाने के बाद भी वे लोग नहीं माने, जिसके बाद जैनम खातून की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, पुलिस पदाधिकारी को घटना स्थल पर भेजा गया है। मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फर्नीचर का सामान तो जैसे इनके साथ घर में ससुर लाई हुआ था, और किसी को मिला है कि अब इसे औकात नहीं था, नहीं दिला तो मिला था, तो ये घर पे फोन की थी, बोली थी कि ऐसा है कि मम्मी हमारे को सामान दोगे या मेरी जान लोगे। अभी बोली कि 2 महीने बाद दे दूंगा, उसकी मम्मी बोली है। लेकिन उसके बाद इनको 5-6 दिन से लड़ाई चल रहा था। आज सुबह पता ना क्या हुआ, फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। 4 बजे दूसरे ने किसी ने बताया कि आपकी बहन को ऐसे ऐसे हो गया है। उनकी मम्मी को भी 4 बजे ही फ़ोन किया था लोग। फिर हम लोग आए तो देखे तो इसका गर्दन में देखे तो ऐसे ऐसे है, रस्सी ये है, गर्दन में उसके पूरे निशान पड़ी हुए साबुत के साथ, और इनका देह पूरा कंडा हो गया है, चूड़ी उड़ी फूटी मिली पूरी उसकी, हाथ में चूड़ी नहीं है, कपड़ा फड़ा हुआ है पूरा, गले में निशान पूरा पड़ा हुआ है। अब आप लोग देखिए हमको साफ से कौन कौन प्रताड़ित कर रहा था इनको। इनको उसका भसुर थे, एक ससुर थे, सास थी, दो दियारी थी।